गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर. एज यू नो वी हैव कम्प्लीटेड चैप्टर नंबर 2. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ प्लांट किंगडम. लास्ट चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन की थी प्लांट्स के बारे में, उनके कुछ एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जैसे प्लांट की ग्रोथ इनडेफिनेट होती है, प्लांट्स में ट्रू स्टेम रूट एंड लीव्स होती हैं, या प्लांट की बॉडी स्टेम रूट्स एंड लीव्स में डिफरेंशिएटेड होती है. सो कुछ एक ऐसे करेक्टरिस्टिक किए थे हम लोगों ने, तो वो आपने एक बार रिवाइज करने हैं. नाउ जो इस किंगडम में हम डिस्कस करेंगे वो प्लांट्स जो आगे उनको फर्दर सब ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, और उन सब ग्रुप्स के आगे क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट इट. विटाकर है, उसने जो 5 किंगडम बनाए थे, दैट आर मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटिया. तो मोनीरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम किंगडम प्लांटिया के बारे में पढ़ेंगे. तो प्लांटिया नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं दैट ऑल आर प्लांट्स. जब क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ या ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने की प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था जो हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में. तो उसमें 2 ही किंगडम बनाए गए थे, प्लांटिया एंड एनिमलिया. फिर 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया, एंड लास्ट में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, जिसको ज़्यादा रिलायबल माना जाता है. क्योंकि पहले वाले जो किंगडम थे या पहले वाले जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, उनमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को जो उस ग्रुप से मिसमैच होते थे, जैसे फंजाई प्लांट नहीं है तो फंजाई को भी प्लांट में रख दिया गया था. साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, ये प्लांट नहीं है, इसको भी प्लांटिया किंगडम में रखा गया था. लेकिन विटाकर ने जो क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनिज्म की और उसने जो किंगडम बनाए वो 90% सही थे, और उसमें लेकिन अभी भी स्कोप है, अभी भी उसमें जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं. लेकिन जो उसने प्लांटिया किंगडम बनाया उसमें बहुत मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म ऐसे रखे जो प्लांट्स ही हैं और उनको प्लांटिया किंगडम में ही होना चाहिए था, और उसने ऐसे ऑर्गेनिज्म को एक्सक्लूड कर दिया, जैसे फंजाई, मोनीरा या फिर कुछ एक प्रोटिस्टा जो इसमें रख दिए थे पुराने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, उसने उनको निकाल के ये किंगडम प्लांटिया बनाया जो जिसमें वही ऑर्गेनिज्म रखे गए जो प्लांट किंगडम से बिलोंग करते थे. इसमें एक क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया का नाम ब्लू ग्रीन एल्गे है, ब्लू ग्रीन एल्गे मीनिंग ये एल्गे होगा, लेकिन इसको फिर भी प्लांट किंगडम में नहीं रखा गया. पहले जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था तो इसको प्लांटिया किंगडम में ही रखा गया था. इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गे होने की वजह से इसको प्लांट किंगडम में रख दिया गया कि एल्गे है तो एल्गे प्लांट्स होते हैं, तो इसको भी वहीं रख दिया गया. लेकिन बाद में इसको जब विटाकर ने क्लासिफिकेशन की या फिर 3 किंगडम या 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो उन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया एल्गे प्लांटिया किंगडम से. क्यों, वो क्या रीज़न है? बिकॉज साइनोबैक्टीरिया इज़ अ बैक्टीरिया, ये प्रोटिस्टा है, सॉरी ये जो है प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा नहीं, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और मोनीरा किंगडम का मेंबर है. क्योंकि इसके जितने भी करेक्टरिस्टिक हैं, इसकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर, इसके जो सेल के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे जो हैं वो यू प्रोकैरियोटिक सेल से मैच करते हैं, ना कि यूकैरियोटिक सेल से. ये एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है साइनोबैक्टीरिया, लेकिन प्लांट भी फोटोसिंथेटिक होते हैं तो इसलिए इसको प्लांट के साथ रखा गया था. लेकिन इसका जो क्लोरोप्लास्ट है और जो प्लांट का क्लोरोप्लास्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है. जो साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और प्लांट में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं दैट आर टोटली डिफरेंट. सो साइनोबैक्टीरिया में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट की तरह दिखने वाले, वो प्लांट की तरह दिखने वाले हैं, ना कि प्लांट से पूरी प्लांट सेल से पूरी तरह मैच करते हैं. इसलिए इसको एक्सक्लूड कर दिया गया प्लांटिया किंगडम से, क्योंकि जो प्लांट किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे दैट आर हैव अ यूकैरियोटिक सेल, लेकिन इसके पास जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के करेक्टरिस्टिक है. इसके पास वेल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं और ना ही वेल मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होता है, जो एक प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको निकाल दिया गया. आगे है प्लांटिया किंगडम के क्लासिफिकेशन. इसको आगे 5 सब किंगडम या यू कैन से दैट सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो 1 by 1 हम इन 5 सब ग्रुप्स की डिटेल्स आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट है जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, इसकी इंट्रोडक्शन या ये कैसे कैसे डेवलप हुआ ये हम डिस्कस करेंगे. जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया था उसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते थे, जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए सिर्फ उनके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर देखे जाते थे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल अपेयरेंस. मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर होते हैं एक्सटर्नल अपेयरेंस, उनके बेस पे उनको क्लासिफाई कर दिया जाता था, प्लस उनके वेजिटेटिव करैक्टर्स और एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, ये 3 चीज़ें देखी जाती थी, मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर,
वेजिटेटिव करैक्टर्स या फिर जो एक्सटर्नल करैक्टर या फिर वो रिप्रोडक्शन के अलावा या रिप्रोडक्शन करने से पहले उनकी बॉडी में जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, और एंड्रोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका स्ट्रक्चर देखा जाता था। इन तीनों बेस पे जो है वो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कर दी जाती थी, और इसलिए इस सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रॉन्ग थी, या बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको सही क्लासीफाई नहीं किया गया था। क्या हुआ इसमें, सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया। जो प्लांट की तरह दिखता है उसको प्लांटिया में रख दिया, जो थोड़ा बहुत एनिमल की तरह दिखता है उसमें एनिमलिया में रख दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो क्लोजली रिलेटेड थे, जो होने साथ में चाहिए थे एक ही ग्रुप में, लेकिन उनकी अपीयरेंस देखने में अलग अलग होने की वजह से उनको अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग किंगडम में रख दिया गया। जैसे साइनो बैक्टीरिया, इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो बैक्टीरिया से मिलते हैं, लेकिन रख इसको किस में दिया गया था, प्लांट में रख दिया गया था। ऐसे ही फंजाई जो है वो एक अलग किंगडम है, लेकिन इसके करैक्टरिस्टिक अगर प्लांट से मिलते हैं तो प्लांटिया में रख दिया गया था इसको। तो इसलिए जो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज जो एक ग्रुप में होनी चाहिए थी उनको सही से क्लासिफिकेशन नहीं हुई थी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसमें सिर्फ एक्सटर्नल करैक्टर के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया गया था। इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल करैक्टर और वेजिटेटिव करैक्टर के बेस पे ही क्लासिफिकेशन होती है, और आपको पता है कि एक्सटर्नल करैक्टर और वेजिटेटिव करैक्टर इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो जाते हैं। जो चीज़ चेंज हो जाती है उसके बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल अपीयरेंस और वेजिटेटिव करैक्टर इन दोनों को ही इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है, इसलिए ये आर्टिफिशियल सिस्टम फेल हो गया था या इसको फॉलो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें ऑर्गेनिज्म के नेचुरल रिलेशनशिप जो है उनके बीच में आपस में जो क्लोज रिलेशनशिप है उनको स्टडी किया गया, प्लस क्या कंसीडर किया गया, उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस प्लस इंटरनल एनाटॉमी भी स्टडी की गई, तब जाके इस ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की गई। तो ये बाकियों से बेटर था, थोड़ा बेटर था, और ये आजकल जो है वो फॉलो भी होता है। इसके बेस पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की भी जाती है, लेकिन इसके बाद फिर और एडवांस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गए तो उनको भी हम फॉलो करते हैं, लेकिन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी फॉलो किया जाता है, बिकॉज इसमें दोनों चीज़ें स्टडी की जाती है, एक्सटर्नल करैक्टर भी स्टडी किए जाते हैं, इंटरनल एनाटॉमी भी स्टडी की जाती है ऑर्गेनिज्म की, प्लस उसका दूसरे उसके मिलते जुलते ग्रुप्स के साथ या मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म के साथ नेचुरल रिलेशनशिप क्या है, कैसा रिलेशनशिप है उसका, वो भी स्टडी किया जाता है। अगर रिलेशनशिप डीप रिलेशनशिप है, बिल्कुल फास्ट रिलेशनशिप है, तो वो सेम ग्रुप में रखे जाएंगे। अगर रिलेशनशिप दूर दूर का है, एक दूसरे से उनके करैक्टर मैच नहीं हो रहे हैं, तो उनको सेम ग्रुप में नहीं रखा जाएगा। सो इसमें एक्सटर्नल करैक्टर प्लस इंटरनल करैक्टर दोनों स्टडी करने के बाद ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की जाती है। अब इंटरनल करैक्टर कौन कौन से स्टडी करते हैं, जैसे एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, सेल का जो है वो कौन से बायोकेमिकल से बना हुआ, ये स्टडी किया जाता है। उसके एनाटॉमी स्टडी की जाती है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेल का कैसा स्ट्रक्चर है, वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ये सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है। तो जो प्लांट की क्लासिफिकेशन की गई वो जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने की, जिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्लासिफाई किया प्लांट्स को, उसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इज गिवन बाय द बेंथम एंड हुकर, जिसको बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। इसके बाद और भी क्लासिफिकेशन के सिस्टम आए प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए, लेकिन ये जो है वो सबसे ज़्यादा फॉलो होता है, क्योंकि इसको फॉलो करने के बाद जो वो प्लांट की सही क्लासिफिकेशन हो पाई थी। देन नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, इस सिस्टम में ऑर्गेनिज्म के कॉमन एंसेस्टर जिनके हैं उनको सेम ग्रुप में रख दिया जाता है, या एंसेस्टर के बेस पे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की जाती है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखे जाते हैं कि किससे इवॉल्व हुए हैं। अगर वो सेम ऑर्गेनिज्म कॉमन एंसेस्टर है तो सेम ग्रुप में रख दिए जाएंगे, डिफरेंट एंसेस्टर है तो डिफरेंट ग्रुप में रख दिए जाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म जो सेम टेक्स्टा में आते हैं या सेम कैटेगरी में आते हैं, मान लो जिनका सेम जीनस है, ये जिनकी सेम स्पीसीज है, उनको सेम जीनस या सेम स्पीसीज में इसलिए रखा गया है क्योंकि उनका एंसेस्टर सेम है। लेकिन इस सिस्टम फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जब भी आपको किसी का एंसेस्टर फाइंड आउट करना है तो आपको उसके लिए सॉलिड एविडेंस चाहिए, और वो मिलते हैं फॉसिल से। तो जिन ऑर्गेनिज्म के तो हमें एंसेस्टर के फॉसिल मिल गए उनके क्लासिफिकेशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन जिनके फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है उनकी इस सिस्टम के बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एंसेस्टर ही हमें पता नहीं चलेगा, हमें कोई सॉलिड प्रूफ ही नहीं मिलेगा कि उनका एंसेस्टर कौन रहा होगा। सो देन दिस सिस्टम हैव अ सम जो लिमिटेशन, देयर इज अ नो स्पोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। अगर कोई स्पोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं है तो उस ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन इस सिस्टम के थ्रू नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है जो टैक्सोनॉमी है, क्लासिफिकेशन सिस्टम है
उसमें कुछ एक मेथड यूज़ किए गए क्लासिफिकेशन के लिए, जो मेथड यूज़ किए गए दैट आर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। ये क्लासिफिकेशन में मेथड यूज़ होते हैं तीन मेथड। सबसे पहले है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिज्म के जिसकी क्लासिफिकेशन करनी है उसके बहुत सारे हज़ारों के हिसाब से करैक्टर स्टडी किए जाते हैं और उनको, उन करैक्टर्स को नंबर और कोड दिया जाता है। उन नंबर और कोड को कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है और उसके बाद डाटा एनालाइज करके कंप्यूटर हमें बता देता है कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ इसके जो करैक्टर हैं वो मैच हो रहे हैं, या इसके करैक्टर कैसे हैं, प्लांट के जैसे हैं, एनिमल के जैसे हैं, फंजाई के जैसे हैं। और उसके बेस पर हम उस जो हमें रिजल्ट मिला न्यूमेरिकल डाटा के बाद हमें रिजल्ट मिला कंप्यूटर ने जो एनालाइज करके दिया उसके बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। सो ये इजीली कंप्यूटर के साथ हो सकता है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे करेक्टर को बहुत जल्दी हमें असाइन डाटा प्रोसेस करके दे देता है। देन साइटोटैक्सोनॉमी, इसमें जो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए बेसिस देखा जाता है वो है सेल का स्ट्रक्चर। सेल के में स्ट्रक्चर कैसा है, उसके क्रोमोजोम कैसे हैं, क्रोमोजोम नंबर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, तो सेल की पूरी डिटेल स्टडी की जाती है। साइटो, साइटो मीनिंग सेल, सेल की डिटेल स्टडी की जाती है। उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म को किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, दैट इज अ साइटोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है कीमोटैक्सोनॉमी। इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल का देखा जाता है या उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में देखे जाते हैं बायोकेमिकल्स, कौन कौन से वो बायोकेमिकल्स या कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से मिला हुआ है, कि वो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, उसमें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको पता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, ये हमारी बॉडी के ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो हैं वो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो वो कीमोटैक्सोनॉमी स्टडी की जाती है सेल की। उसके बाद देखा जाता है कि इसके केमिकल कौन से ऑर्गेनिज्म के सेल से मैच हो रहे हैं, कि वो यूकैरियोटिक से मैच हो रहे हैं या प्रोकैरियोटिक, वो प्लांट सेल के से मैच हो रहे हैं या एनिमल सेल से। तो इस तरह से उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। तो आजकल टैक्सोनॉमिस्ट जो हैं, टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं जो क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म की, दैट आर नोन एज अ टैक्सोनॉमिस्ट। तो वो साइटो कीमोटैक्सोनॉमी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर द क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व हुए और कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो मोस्टली फॉलो होता है, दैट इज़ अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन अभी और भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इवॉल्व हो रहे हैं या फिर डिस्कवर किए जा रहे हैं। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा कि प्लांट किंगडम को 5 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया और पहला सब ग्रुप था एल्गे। तो एल्गे से स्टार्ट करते हैं। एल्गे आर क्लोरोफिलस, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। जैसे पौधा अपना या प्लांट अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल, तो एल्गे भी प्लांट्स हैं तो इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, थैलॉइड बॉडी होती है, थैलॉइड होता है, थैलॉइड बॉडी होती है जिसमें ट्रू स्टेम, रूट, लीव्स आपको प्लांट उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं दिखाई देंगे। द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज जस्ट लाइक दिस, जो आपको सी का फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है, दिस इज द बॉडी ऑफ द एल्गे, जिसमें ट्रू स्टेम, रूट, लीव्स आपको डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो थैलस, इस स्ट्रक्चर को थैलस कहा जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक द क्रस्ट पेपर, जैसे पेपर क्रश करके आप फेंक देते हैं तो उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट, लेकिन पेपर तो आप राउंड कर देते हैं, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, और लेकिन साइड से ये क्रश्ड या फिर मुड़ा हुआ होता है, दैट इज़ द थैलस स्ट्रक्चर। और ये ज़मीन के साथ जो है वो फ्लैट बिल्कुल अटैच होते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मैरिन वाटर में मिलते हैं, इनका हैबिटेट अलग अलग तरह का है। अगर मान लो ये फ्रेश वाटर और मैरिन वाटर भी हैं, इसके अलावा मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड वगैरह में भी जो है वो हैबिटेट अपना बनाते हैं। कुछ एक एल्गे जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे वो फंजाई के साथ एसोसिएशन में रहते हैं एल्गे, तो उसको माइक्रोराइजा कहा जाता है उस एसोसिएशन को। सिमिलरली कुछ एक एनिमल की बॉडी में रहते हैं, स्लोथ बियर की बॉडी पर एल्गे रहता है और ये म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है जिसमें एल्गे को भी फायदा होगा और स्लोथ बियर को भी फायदा होता है। अगर साइज की बात करें तो एल्गे जो है वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक है इनका साइज। जो माइक्रोस्कोपिक एल्गे है दैट इज द क्लेमाइडोमोनास, ये सेलुलर है और माइक्रोस्कोपिक है। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये ए का जो सेकंड डायग्राम है दैट इज अ क्लेमाइडोमोनास, ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गे है। कुछ एक एल्गे जो है वो कॉलोनियल होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास तो सॉलिटरी है। जो बॉलवॉक्स एल्गे है दैट इज अ कॉलोनियल और ये कॉलोनीज बनाता है। कुछ एक एल्गे फिलामेंटस या उनकी बॉडी जो है वो रिबन शेप होती है, यूरोथोरिक्स और स्पायरोगैरस का एग्जांपल है। जो मैरिन एल्गे हैं
दे फॉर्म द कैल्प्स। अब ये कैल्प्स क्या होते हैं, आप डायग्राम में देखिए, जो आप ये बी का थर्ड डायग्राम देख रहे हैं, बी का सेकंड डायग्राम देख रहे हैं, दीज आर कैल्प्स। आपको देखने में ऐसे लगेगा कि ये एक प्लांट है जिसमें स्टेम है, जिसको स्टाइप कहा जा रहा है, उसका जो ज़मीन से अटैचमेंट वाली या ज़मीन से जो वो जुड़ रहा है उसको होल्ड फास्ट कहा जाता है, और ऊपर ऐसे लग रहा है कि उसमें मिडरिप जा रही हैं और उसमें लीव्स जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं, जिनको लीव्स को नाम दिया फ्रॉन्ट। लेकिन ये सारे ट्रू स्टेम और रूट्स नहीं हैं, ये थैलस ही है जिसने ऐसी शेप या डिवाइड करके या ग्रो करके ऐसी शेप बना दी है। और ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं, बड़े पौधों की तरह होते हैं, बड़े प्लांट्स की तरह होते हैं, लेकिन ये मैरिन है, समंदर में होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में आपको होल्ड फास्ट ज़मीन से जुड़ने वाला या फिर जड़ों की तरह का स्ट्रक्चर, मिडरिप जो पत्तों के अंदर होता है, या फिर ब्रांच्ड लीव्स दिख रहे हैं जिनको फ्रॉन्ट कहा जा रहा है, लेकिन ये ट्रू स्टेम रूट लीव्स नहीं हैं। दैट्स वाई दीज आर नोन एज अ कैल्प्स, द मैसी प्लांट लाइक बॉडी, नॉट अ प्लांट ट्रू प्लांट बॉडी, प्लांट लाइक बॉडी विच द एल्गे फॉर्म इन द एक्वेटिक हैबिटेट, जो मैरिन हैबिटेट है उसमें ही जो है वो एल्गे जो है वो कैल्प्स बनाते हैं, एंड देयर बॉडी जस्ट लाइक द मैसी प्लांट बॉडी। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये तीनों तरह की रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी, सेक्सुअल के। सबसे पहले वेजिटेटिव डिस्कस करते हैं, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं ये फ्रेगमेंटेशन से, बीच में से दो टुकड़े हो जाएंगे थैलस के, या चार टुकड़े हो गए, या फोर या फाइव पीसेज हो गए, और वो फोर फाइव पीसेज नए ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कर जाएंगे, तो पाँच ही नए आपको एल्गे के प्लांट मिल जाएंगे। दिस इज द फ्रेगमेंटेशन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करते हैं तो ये स्पोर्स बनाते हैं, जो मोस्ट कॉमन स्पोर्स ये बनाते हैं दैट आर द जू स्पोर्स, और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, और जैसे ही जमीन पे या पानी में गिरते हैं तो जर्मिनेशन करने के बाद एल्गे बना देते हैं, नया प्लांट बना देते हैं। इनका इंपॉर्टेंट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि दे फॉर्म जू स्पोर्स एंड जू स्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दो तरह के गैमेट्स बनाते हैं, दैट इज अ यू कैन से दैट इज अ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। सो उन दोनों की फ्यूजन की वजह से जायगोट बनता है, और जायगोट से फिर आगे जो है वो नेक्स्ट जनरेशन बर्थ लेती है। सो जो ये गैमेट्स बनाते हैं, अब वो गैमेट्स ये दो तरह के बनाते हैं, आइसोगैमस एंड एनाइसो, सॉरी तीन तरह के, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। जब ये गैमेट्स बना रहे हैं मेल एंड फीमेल, और वो बिल्कुल सिमिलर हैं साइज में, उन दोनों गैमेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है स्ट्रक्चर में, शेप में, साइज में, तो दैट आर नोन एज अ आइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेट, जो क्लेमाइडोमोनास बनाता है। अगर उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, या कोई मोटाइल है कोई नॉन मोटाइल है, तो उनको एन आइसो टाइप ऑफ गैमेट्स कहा जाता है। ये भी क्लेमाइडोमोनास की ही कुछ एक स्पीसीज जो हैं वो ऐसा करती हैं, जो डिसिमिलर गैमेट्स बनाती हैं, जो गैमेट्स बिल्कुल जो साइज शेप स्ट्रक्चर में एक जैसे नहीं होते, उनको एन आइसो गैमेट्स कहा जाता है। फिर नेक्स्ट टाइप क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें फीमेल गैमेट बड़ा होता है, राउंडेड होता है, और मेल गैमेट छोटा होता है और वो मोटाइल होता है। फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल, लार्जर इन साइज, राउंडेड, एंड मेल गैमेट इज स्मॉलर इन साइज एंड हैव फ्लैजला, दैट इज मोटाइल। दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और दैट टाइप ऑफ गैमेट्स आर नोन एज अ ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और जो फीमेल गैमेट है उसको कहा जाता है ओगोनिया, और इस रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये करते हैं वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ये दो जो हैं ये ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सो दीज आर द डायग्राम्स ऑफ सम एल्गे। ये फर्स्ट डायग्राम जो है A1 की, ये वॉल्वॉक्स है जो कॉलोनीज बनाता है, सेकंड जो है वो क्लेमाइडोमोनास की है, देन आपने बी का थर्ड जो देखा ये डिक्टोटा है जो कैल्प्स बनाते हैं, दीज आर कैल्प्स। उसके बाद लास्ट में जो है द पोलीसिफोनिया है, पोली पोरफायरा है, देन दीज आर जो सी का फर्स्ट आप देख रहे हैं दैट इज़ अ पोरफायरा और पोलीसिफोनिया, ये रेड एल्गे हैं। सो एल्गे के आगे आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे एंड रेड एल्गे, तो वन बाय वन हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ इन्होंने डायग्राम से बताया हुआ, फर्स्ट वन आर ग्रीन एल्गे देख रहे हैं आप, ग्रीन कलर के हैं, सेकेंड वन आर दैट इज़ अ ब्राउन एल्गे, एंड थर्ड वन आर रेड एल्गे, तो ये रेड एल्गे की डायग्राम है। आगे यूजफुलनेस ऑफ एल्गे, एल्गे जो है वो बहुत तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। जो इस वर्ल्ड में हाफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की जाती है अर्थ पे, पूरे अर्थ पे जो हाफ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करते हैं वो एल्गे हैं, क्योंकि जो अर्थ पे 70% है वो वाटर है, और बहुत सारे एल्गे जो है वो पानी में, इनका फेवरेट हैबिटेट वाटर ही है। मैक्सिमम एल्गे 95% एल्गे जो है वो वाटर में ही मिलते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक हैं, तो सबसे ज़्यादा कार्बन फिक्सेशन, जो हाफ कार्बन फिक्सेशन है पूरे अर्थ की, वो एल्गे करते हैं। बींग फोटोसिंथेटिक दे कम्स इन द फूड चेन एट प्रोड्यूसर लेवल, जो पानी में चलने वाली फूड चेन है, जो एक्वेटिक फूड चेन है, उनमें ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हैं या
प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि ये खाना प्रोड्यूस करते हैं एक्वाटिक हैबिटेट में और इनसे आगे फिर फूड चेन चलती है, तो इन्हीं के ऊपर सारे के सारे एक्वाटिक एनिमल्स डिपेंडेंट हैं। बहुत सारी स्पीसीज जो है जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, ये मैरिन एल्गे हैं। लगभग 70 स्पीसीज जो है मैरिन एल्गे की वो फूड की फॉर्म में यूज़ होता है, ह्यूमन उनको फूड की फॉर्म में यूज़ करता है। एग्जाम्पल मैंने अभी बताया पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम। कुछ एक ब्राउन और रेड एल्गे हैं, उनके अंदर हाइड्रोक्लोराइड्स होते हैं। हाइड्रोक्लोराइड्स वो मटेरियल है जो जेल बनाने के, जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिनसे आसानी से आप कोई एब्जॉर्बिंग मटेरियल या जेल बना सकते हैं। तो ब्राउन और रेड एल्गे जो हैं वो हाइड्रोक्लोराइड रिच होते हैं और वो बहुत सारे हमें जेली मटेरियल बनाने के लिए हाइड्रोक्लोराइड्स देते हैं, और उनका नाम है एल्जिन जो ब्राउन एल्गे से मिलता है, और कैराजिन जो रेड एल्गे से मिलता है। और ये कमर्शियली बहुत सारी फैक्ट्रीज में है, वो ये बहुत सारी जो कैंडीज हैं या जेलीज बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है एक हमें जो मटेरियल मिलता है गोलिकोलेक जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से, ये दो एल्गे हैं, दिस आर द रेड एल्गे, जो अगर अगर बनाने के काम आता है, और अगर अगर जो है वो बहुत सारी प्रिपरेशंस में जो है वो एज आ जेली एजेंट यूज़ होता है या एज आ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ होता है, और आइसक्रीम्स, जेलीज, या फिर जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए, उनके लिए जो मीडियम बनाना होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने के लिए जो कल्चर मीडियम बनाते हैं, उनमें ये अगर अगर यूज़ होता है। तो आपने ये याद रखनी है, अगर अगर हमें किससे मिलता है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। नेक्स्ट है कोरेला, ये सिंगल सेल प्रोटीन मटेरियल है, ये सिंगल सेल प्रोटीन की फॉर्म में यूज़ होता है बिकॉज इट इज़ रिच इन द प्रोटीन, और बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोटीन सप्लीमेंट की फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। जो स्पेस ट्रैवलर्स हैं, जो स्पेस में जाते हैं, उनको कोरेला की टैबलेट्स दी जाती हैं एज अ फूड सप्लीमेंट्स। सो इट इज़ अ रिच इन प्रोटीन्स, और इसकी बहुत सारी मार्केट में वैरायटी ऑफ जो है वो प्रोडक्ट्स के नाम से ये अवेलेबल होता है एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट है एल्गे की डिवीज़न। एल्गे को थ्री मेन क्लासेस में डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी जो ग्रीन एल्गे है, फ्यूफाइसी जो ब्राउन एल्गे है, रोडोफाइसी जो रेड एल्गे है। तो आपने सी से याद रखना है क्लोरो, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल जिसमें होगा वो ग्रीन होगा, फियोफाइसी ब्राउन एल्गे जो मिडल वाला, और आर से रेड याद रखना है, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गे। सो इनकी क्लासेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने जो एल्गे की इंट्रोडक्शन पढ़ी, इसको एक बार रिवाइज करना है, कोई आपको डाउट है तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।